हेलो स्टूडेंट्स। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास ट्वेल्थ में आप लोग जितने भी हैं उसी के लिहाज से सीबीएसई को कवर अप करते हुए मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करूंगा, राइट। तो सबसे पहले ये हमारी एक तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लास है, तो हम जानेंगे रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन की देखिए एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है। अब ये सेट एक्स से सेट वाई की तरफ जा रहा है, मतलब आपके पास दो सेट्स हैं, दिस इज योर सेट एक्स एंड दिस इज योर सेट वाई। तो जब आप एक्स से वाई की तरफ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिलेशन, इज डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। अब आप क्लास इलेवेंथ याद करो जहां पर आपने क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 4। अब अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो मैं 1 और 2 को किसके साथ क्रॉस करूंगा, 3, 4 के साथ। इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा गया था, क्योंकि आप इन पॉइंट्स को फिर एक्स वाई प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। कैसे, वो दिखाता हूँ अभी। 1 आप किससे रिलेट कर देंगे, 3 से। इसमें हम सारे पॉसिबल वैल्यूज बना लेंगे। 1 को आप किससे रिलेट करते हैं, 4 से। 2 को किससे करेंगे, 3 से। 2 को किससे करेंगे, 4 से, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशन सेट एक्स से सेट वाई की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो इस क्रॉस प्रोडक्ट से ही उठाए हुए होंगे, ठीक। तो यहां देखिए, यहां इन्होंने लिखा हुआ है कि दैट रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। सबसेट का क्या मतलब होता है, सबसेट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं एक्स सबसेट है वाई का, इसका मतलब यह हो गया कि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब किस में प्रेजेंट है, y में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सेट x में रख दीजिए क्लास ट्वेल्थ के बच्चे जो आप सभी ट्वेल्थ में हैं, और सेट y में आप रख दीजिए स्कूल। तो आप सब तो स्कूल स्टूडेंट्स में काउंट हो जाएंगे ना, अपने स्कूल स्टूडेंट्स में भी, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, सेट x में सारे एलिमेंट्स है सेट y के, क्योंकि आपका ये अलग से सेट है और आप इसमें भी आ सकते हैं। क्या रिवर्स हो सकता है, क्या क्या वाई सबसेट हो सकता है एक्स का, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे जो बच्चे हैं 6, 8, 9 वो यहाँ पे नहीं दिख रहे ना, यहाँ पे तो सिर्फ 12वीं के बच्चे हैं सेट एक्स के अंदर में, तो इसे कहते हैं सबसेट। यहाँ इक्वल टू का साइन भी लगाया हुआ है क्योंकि ये बराबर भी हो सकते हैं। अगर दोनों में एलिमेंट्स इक्वल नंबर के आ गए, सेम आ गए, तब भी हम जो है क्रॉस के जरिए उनका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन डिनोटेड बाय आर किस तरफ जाता है, सेट एक्स से सेट वाई की तरफ जाता है। उसमें क्या होता है, सबसेट होता है, किसका होता है, एक्स क्रॉस वाई का। और जब आप कोई रिलेशन बनाते हैं तो आप उसको ऐसे नाम देंगे, एक्स आर वाई, या फिर अगर ए बी में आप कर रहे हैं तो ए आर बी, यानी ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब है ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं। अब आप यहाँ क्रॉस पे जब आप आओगे तो देखोगे आपने एक्स और वाई में अपने कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ये वाला एक्स एक्सिस पे जाएगा और ये वाला वाई एक्सिस पे जाएगा। तो इसी तरीके से ये पूरा फंडामेंटल रिलेशन पे चलता है, क्लियर है। अब एग्जांपल के लिए थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इस नोट वाले पैरामीटर पे थोड़ी देर में आएंगे। अब एग्जांपल देखो, कुछ कुछ एग्जांपल है, बहुत ही बेसिक से एग्जांपल है, बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला देखिए, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 4, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 4, 6। रिलेशन क्या बना दिया गया है, 1, 4, 1, 6, 2, 4, 2, 6, 4, 6, राइट। क्या ये रिलेशन है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये रिलेशन सही है। तो चलिए देखते हैं, हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालने की कोशिश करेंगे। ए क्रॉस बी क्या है, 1, 2, 4, इसको हम क्रॉस कर देंगे 4, 6 के साथ। कैसे करेंगे, अभी सिखाया मैंने, 1, 4 के साथ लिखा जाएगा 1, 4, फिर 1, 6 के साथ होगा 1, 6, 2, 4, 2, 6, 4, 4, 4, 6। अगर आप देखोगे 1, 4 हमारे रिलेशन में है, 1, 6 भी हमारे रिलेशन में है, 2, 4 भी हमारे रिलेशन में है, 2, 6 भी है, 4, 6 भी है, मतलब ये रिलेशन के सारे एलिमेंट इस क्रॉस के अंदर मौजूद हैं। और अगर ये मौजूद हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये रिलेशन है, क्योंकि R क्या हो रहा है, R सबसेट हो रहा है A क्रॉस B का, दैट्स वेरी सिंपल, क्लियर है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस, ये एक रिलेशन है। दूसरा देखो, 1, 2 ए बी सी, क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, सर निकालो 1, 2 क्रॉस ए, बी, सी।
अब आप इसको क्रॉस करोगे क्या आएगा, 1, a ब्रैकेट लगाना, 1, b 1, c 2, a 2, b 2, c। अब देखो क्या 1, a है यहाँ पर, बिल्कुल है, 1, c है यहाँ बिल्कुल है। तो क्या R को मैं कह सकता हूँ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R के सारे एलिमेंट किस में है, A क्रॉस B में है, बिल्कुल सही बात है, पूरा पूरा है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो रिलेशन, ये भी एक तरीके का क्या है, रिलेशन है। तीसरे पे आते हैं, A क्रॉस B क्या 1, 2, 3 क्रॉस करेंगे हम 2, 3, 5, 7 के साथ, ठीक है। अब देखो क्रॉस आप करोगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली रिलेशन से चेक कर लेते हैं। 2, 3 तो 2, 3 के साथ तो जाएगा ही और 2, 3 आएगा ही आएगा। 3, 5 3, 5 के साथ जाएगा ही जाएगा और वो आएगा ही आएगा। 5, 7 क्या यहाँ पे कहीं 5 दिखाई दे रहा है दोस्तों? नहीं दिखा दे रहा ना। तो ये जो एलिमेंट है अननेसेसरी है, तो हम बोलेंगे नो दिस इज नॉट अ रिलेशन, ये रिलेशन नहीं है। क्लियर है यहां तक? बेसिक एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल मस्त। अब वापस आते हैं कि अब हम कितने ऐसे नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हैं। तो देखो क्या है कि इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, दो सेट की कहानी है, सेट ए से सेट बी की तरफ ही तो जा रहे हैं, दो ही तो सेट इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, सेट ए में कितने एलिमेंट है मान लो पी है, सेट बी में कितने एलिमेंट है मान लो क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, पी क्यू, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहां देखो, यहां दो एलिमेंट, यहां दो एलिमेंट, आपके यहां चार ही आएंगे, 1, 2, 3, 4। इसमें देख लो यहां पर 3 है और यहां पर 2 है, तो 6 आपके बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, पी क्यू। अब है क्या, ये आगे पीछे भी तो हो सकते हैं ना, 4, 1 भी हो सकता है, 6, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक दो नंबर दो टाइम्स में हो जाएंगे, तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 की पावर पी क्यू। दिस विल बी द नंबर ऑफ रिलेशंस। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, जैसे कि सेट ए में एलिमेंट है 1, 2 और सेट बी में एलिमेंट है 3, 4, 5। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान, पेपर में आएगा, कर देना है। इसमें कितने एलिमेंट, 2, इसमें कितने एलिमेंट, 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6, 2 की पावर पे चढ़ा दो, 2 की पावर 6 मतलब 64। तो 64 रिलेशंस बनेंगे, कितने बनेंगे, 64 रिलेशन बनेंगे। तो रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन एकदम बिल्कुल मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि ए क्रॉस बी का कैसे सबसेट है और कैसे हम पहचानेंगे कि कोई रिलेशन है या नहीं। चले आगे, अब बात करनी है हमें डोमेन एंड रेंज पे। देखो होता क्या है, बेसिक बात मैं आपको बताता हूं। जैसे ही मैंने ए क्रॉस बी का यहां नाम लिया, यहां पे देखोगे तो ये हर कोई एक्स और वाई में आ गई। अब हम इसे प्लॉट कर सकते हैं, जो हमारा ग्राफ है ना उसमें हम इसे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे ये बना सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस वाले पे जो एलिमेंट होते हैं उन्हें डोमेन कहा जाता है, क्या कहते हैं, डोमेन। और वाई एक्सिस वाले को पे क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो इसने हमें बोला है सेट ए में है 1, 2, 3, 7, बी में कितना है, 3, 6 है। अब ये कह रहा है कि ए छोटा है बी से। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे रिलेशन ढूंढने हैं जहां पर ये ए वाला जो है ना ये सेट ए में आ रहा है, बी वाला जो है वो सेट बी में आ रहा है। तो ए छोटा है बी से, क्या 1, 3 से छोटा है, बिल्कुल सही, तो ले लेंगे हम इसमें। 1, 6 से भी छोटा होगा, 2, 3 से छोटा है, 2, 6 से भी छोटा होगा, क्या 3, 3 से छोटा होगा, नहीं, वो तो बराबर होगा, छोटा नहीं होगा, 3, 6 से बिल्कुल होगा। 7, 3 से छोटा होगा, नहीं, 7, 3 से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा है वो, 7, 6 से बिल्कुल भी नहीं। अब देखो इन प्लॉट्स, इन पॉइंट्स को ना प्लॉट कर सकते हो। प्लॉट कैसे कर सकते हो, देखो एक्स पे क्या क्या आ रहा है, 1, 2, 3 और वाई पे क्या क्या आ रहा है, 3, 6 आ रहा है मेनली। तो यहां 3 मान लेता हूं, यहां 6 मान लेता हूं। पहला पॉइंट है 1, 3, ये प्लॉट हो गया। दूसरा पॉइंट है 1, 6, ये प्लॉट हो गया। फिर है 2, 3, ये प्लॉट हो गया। 2, 6, ये प्लॉट हो गया। 3, 3 और 3, 3 तो नहीं है, 3, 6 है, ये पॉइंट हटा देते हैं। तो अब आप देख रहे हो जो आगे वाले नंबर हैं जो x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर द डोमेन। तो हम यहाँ डोमेन क्या बोलेंगे, हम यहाँ डोमेन बोलेंगे 1, 2, 3 और रेंज हम क्या बोलेंगे, y वाले को बोलेंगे। y पे क्या क्या है, 3, 6 ही आ रहे हैं, तो 3 और 6 ऐसे लिखेंगे। क्लियर एकदम मस्त तरीके से। चलो अगले सवाल पे देखते हैं। ए क्या है, सेट ए,
2, 3, 5 सेट भी क्या है 4, 7, 10, 8। ए और बी का इस तरीके से रिलेशन है कि ए बी को डिवाइड कर दे रहा है, ये वाला जो भाई साहब है बी को डिवाइड कर रहे हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो हम रिलेशन पहले बना लेते हैं। क्या 2, 4 को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा सर। 2, 7 को नहीं कर पाएगा, 2, 10 को कर देगा और 2, 8 को कर देगा। 3, 4 को कर पाएगा? नहीं, चांस ही नहीं है। 3, 7 को भी नहीं करेगा, 10 को भी नहीं करेगा, 8 को भी नहीं करेगा। 5, 4 को नहीं करेगा, 5, 7 को नहीं करेगा, 5, 10 को करेगा। क्लियर? तो ये बन गया। अब इसमें हमारे पास डोमेन क्या आ गया, तो हमें क्या चेक करना है, एक्स एक्सिस वाले यानी जो एक्स को डिनोट कर रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं बस। तो दिस इज आवर डोमेन। रेंज क्या आ गया? रेंज आ गई हमारे पास 4, 10, 8। तो यहां हम इसे लिख देंगे 4, 8, 10। कोई दिक्कत है यहां पर, किसी तरीके की कोई परेशानी? अब इसमें एक टर्म और होता है, दैट इज कोडोमेन। क्या होता है? कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? अगर आप सेट ए से सेट बी की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला हमेशा आपका सेट बी जो होगा वो कोडोमेन होगा। अगर आप सेट ए से सेट ए पे ही जा रहे हैं तो ए हमेशा कोडोमेन होगा। क्लियर? जैसे यहां पर सेट बी क्या है, 3, 6, तो ये मेरा कोडोमेन हो जाएगा, दिस विल बी माई कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन या तो रेंज के बराबर होता है या रेंज से बड़ा होता है। राइट? रेंज के बराबर होगा या रेंज से बड़ा होगा। अगर मैथ की भाषा में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि रेंज क्या होगा, रेंज विल बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज विल बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये सब ध्यान रखना है, नोट्स बना के रखना है, सिंपल सिंपल से कहीं पे कॉपी वॉपी में लिखते रहना है जो जो मैं लिख रहा हूं। राइट? वीडियो को जितनी बार देख लो रिवाइज हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या है, इसमें सेट भी क्या है मेरे पास 4, 7, 10, 8, तो ये मेरा कोडोमेन हो गया। ठीक है? तो डोमेन के लिए क्या देखते हैं, एक्स वाले पॉइंट। रेंज के लिए क्या देखते हैं, वाई वाले पॉइंट। कोडोमेन क्या देखते हैं, जो दूसरा सेट होता है, अगर बी है तो वो होगा और अगर ए है, एक ही सेट है, तो वही सेट कोडोमेन ही कहला जाता है। क्लियर है यहां तक? तो आज की वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही, देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।